तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल व्लॉगर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड आई एम आल्सो गुड। मैंने एक वीडियो डाली थी एलडीसी जॉब प्रोफाइल की सीजीडीए डिपार्टमेंट में फुल स्कोर यूट्यूब चैनल पे, और उन सर से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि अगर आपकी परमिशन हो तो मैं एक और वीडियो डालूंगा कि इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट के जो डाउट्स होंगे वो सब उस वीडियो में क्लियर करेंगे। बट सर ने मुझे कोई अभी जवाब नहीं दिया, तो चलो आप अपने चैनल पर डाउट क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके लिए आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये किसी सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि आप वीडियो डेली डाला करो, और एक बात कार में बैठ कर ही वीडियो क्यों बनाते हो, अपने फ्लैट पर भी वीडियो बनाओ एक वीडियो में कि कैसा क्वार्टर मिलता है, ये भी हम देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं अभी घर पे हूँ और मेरे यहाँ पे 3 रूम का एक छोटा सा घर है जिसमें मतलब फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, तो वहाँ पे मुझे वीडियो बनाने के लिए शांति नहीं मिल पाती है। और वहाँ पे अगर बाहर मैं वीडियो शूट करता हूँ तो नॉइस काफ़ी ज़्यादा आती है, तो यही एक कार ऐसी जगह है जहाँ पे मैं आराम से बैठ के वीडियो ला सकता हूँ आपके लिए। तो ये वजह है मेरी कार में वीडियो बनाने की। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन सब्सक्राइबर का नाम है विपिन खिचर। ये बोलते हैं कि भाई, इसमें पोस्टिंग रैंक के हिसाब से होती है या रैंडम, मतलब चॉइस नहीं लेते क्या? उनका पूछना है कि जो सीजीडी डिपार्टमेंट है उसमें जो पोस्टिंग देते हैं किस स्टेट में आपको देना है, क्या वो चॉइस लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब ये है कि वो चॉइस नहीं लेते हैं। जब आपका डोजर जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो आपके कमांड मतलब सीजीडीए जो है वो आपके किसी भी कमांड में आपको भेज देगा, और वो कमांड पे डिपेंड करता है कि वो आपको कहाँ पे पोस्टिंग देगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है सुब्रा मरीनर, सॉरी अगर मैं कोई नाम थोड़ा सा सही से स्पेल नहीं कर पाऊँ। तो ये लिखते हैं, सर आई एम ब्लाइंड इन वन आई, एम आई एलिजिबल फॉर CHSL और CGL, प्लीज़ आंसर इट सर, आई एम वेरी वरीड अबाउट दिस। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि LDC या फिर जो क्लर्क से रिलेटेड जो जॉब हैं लाइक LDC, CGL में जो ऑडिटर हैं, उनमें जो विजन है मेडिकल में वो प्रॉब्लम नहीं करता है। अगर आपका विजन में कोई प्रॉब्लम है तो भी आप इन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। क्लरिकल ग्रेड में आपको कलर ब्लाइंडनेस और अगर वन आई आपकी डिफेक्टिव है या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो जा सकते हैं, मेडिकल में आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनका नाम है कुशाल सुमन। ये बोलते हैं, सर प्लीज़ रिप्लाई मी, मुझे आई प्रॉब्लम है, पावर इज -5 इन बोथ आईज, बट ग्लास यूज करने के बाद भी विजन 6x6 नहीं है सर, तो क्या मैं किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हूँ लाइक LDC, PA ऐसे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप डरिए मत। आपका मेडिकल में अगर आपकी पावर थोड़ी ज़्यादा, स्पेक्टल्स यूज करने के बाद भी अगर आपकी जो आई विजन है वो 6x6 नहीं आ पाती है, तो मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये बहुत नॉर्मल सा मेडिकल होता है और आपका सिलेक्शन हो सकता है क्लरिकल ग्रेड में। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर तैयारी करिए, और मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, वाह हिंदी ज़्यादा हो गई, मैं आपके मतलब अच्छे फ्यूचर के लिए प्रे करता हूँ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कवीन कबीर का। ये लिखते हैं कि ऑडिटर की सैलरी कितनी होती है CGDA में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको मेरी सैलरी स्लिप दिखाता हूँ मार्च 2020 की। इसमें आप जोड़ लीजिए HRA जो बेसिक का 24% है, ₹7224 प्लस में 310 जो लाइसेंस फीस कटती है, प्लस में ₹50 जो किसी समिति की कटते हैं, मतलब जो हमारा एक एसोसिएशन है उसका कटता है, तो ये आपकी ग्रोस सैलरी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीतीश कुमार जी का, पुलिस वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स जब कोई भी डिपार्टमेंट आपकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाता है, उससे पहले वो आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म भेजता है, और वो अटेस्टेशन फॉर्म में आप सारी डिटेल फिल करके देते हैं उन्हें कि मेरा जो नियर बाई जो थाना है वो कौन सा लगता है, और बाकी की सारी डिटेल्स भी आपको उसमें फिल करनी होती है। उसके बाद वो उस थाने में उस एक रिपोर्ट को भेजते हैं और वो चेक करते हैं। दरअसल वो ये जानना चाहते हैं कि जो जिस कैंडिडेट को हम रिक्रूट कर रहे हैं वो कोई आपराधिक मतलब कोई ऐसी गतिविधियों में संलिंग तो नहीं है, ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहा है, तो मतलब आपकी एक हिस्ट्री जानने की कोशिश की जाती है थोड़ी सी। तो फ्रेंड्स, ये सारा इंटरनली होता है,
चौकी में रिपोर्ट आती है और जनरली हमसे इसका कोई ताल्लुकात नहीं होता, वो चेक करते हैं अपने रिकॉर्ड्स और वो भेज देते हैं वापस से उस डिपार्टमेंट को। बट होता ये है कि जब भी रिपोर्ट आती है तो पुलिस वाले आपको फ़ोन करते हैं, कुछ मिठाई पानी मांगते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको बताइए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य प्रताप का, ये बोलते हैं सर प्लीज़ टेल अस अबाउट कैंटीन कार्ड एंड अदर फैसिलिटीज एज ऑडिटर इन CGDA, गिव सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्कलोड। तो फ्रेंड्स कैंटीन कार्ड आपको इसमें मिलता है, मतलब CST फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है हर एम्प्लॉय को, चाहे वो MTS से लेके किसी भी लेवल का हो आपको कैंटीन कार्ड मिलेगा, उसकी लिमिट अलग अलग होती है। बट आपको ग्रोसरी कार्ड मिलेगा, लिकर नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखना। और वर्कलोड की अगर मैं बात करूँ तो वर्कलोड अरे ज़्यादा नहीं होता, मतलब वर्कलोड ज़्यादा नहीं होता है, आप ज्वाइन करिए मज़े करिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है संदीप कुमार का, ये बोलते हैं MTS टू ऑडिटर कितना टाइम लेता है। तो फ्रेंड्स MTS SAS के लिए एलिजिबल नहीं होता है, MTS को प्रमोट होने के लिए जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है क्लर्क टू ऑडिटर, जो मैंने मेरी सारी वीडियोज में बताया है, मतलब CGDA वाली वीडियोज में बताया है, उस एग्ज़ाम में MTS भी मतलब MTS भी पार्ट ले सकते हैं। बट जब प्रोविजन की बात होती है, मतलब जब प्रमोट करने की बात होती है, तो पहले क्लर्क को बनाया जाता है उसके बाद MTS को बनाया जाता है, तो 4 साल बाद MTS ऑडिटर के लिए एग्ज़ाम दे सकता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है सबाब खान का, ये बोलते हैं CHSL क्लियर करने के बाद 12th के मार्क्स मैटर करते हैं क्या? सपोज मैं गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेरा परसेंट 12th का 40 या 45 है तो कोई दिक्कत नहीं? आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपकी परसेंट 33 भी है, मतलब जस्ट आप पास हैं तो आप उनकी नज़र में इतना ही है। हाँ मैं एक अंदर की बात ये बता देता हूँ, जो आपकी SSC में रैंक होगी पहला प्रमोशन उसी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर डिपार्टमेंट को 50 क्लर्क ऑडिटर बनाने हैं तो वो 50 क्लर्क वो चूज़ करेंगे जिनकी रैंक SSC में सबसे ऊपर हो। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है JP सिंह का, सर हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को वर्किंग आवर्स में कोई रिलैक्सेशन मिलता है क्या? नहीं फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, हैंडीकैप्ड को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। बट हाँ आप डिपार्टमेंट में जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपके ऑफिस में ऐसे मतलब आपका ऐसे रिलेशन बन जाते हैं कि आप सब कुछ मैनेज हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ ऑफिशियली आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस कुमार का, सर पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस किस में नहीं होता है, प्लीज़ रिप्लाई। फ्रेंड्स हर डिपार्टमेंट में पुलिस वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट आपको मतलब 40 साल के लिए मैक्सिमम, कोई भी डिपार्टमेंट आपको लाइफ टाइम के लिए जॉब देने जा रहा है, तो उसको हक है किसी भी कैंडिडेट की पुलिस हिस्ट्री जानने की, कि उसकी जो पुलिस बैकग्राउंड है, मतलब जो बैकग्राउंड है कैसा रहा है, वो कुछ ऐसा काम तो नहीं करता है जिससे डिपार्टमेंट को बाद में नुकसान हो। तो पहले पुलिस वेरिफिकेशन हर डिपार्टमेंट करवाता है। तो फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है सौरभ S पूछते हैं SAS एग्जाम में Group 1 और Group 2 एक साथ पास करना होता है या कुछ पेपर पास करने से एग्जेम्पशन मिलता है? जैसे Group 1 में 3 पेपर पास किए तो सिर्फ 2 देने होंगे या पूरा ग्रुप एक साथ पास करना होता है? तो फ्रेंड्स SAS के बारे में मैं आपको बताता हूँ, टोटल 9 पेपर होते हैं, 5 पेपर Part 1 में होते हैं और बाकी के 4 पेपर Part 2 में होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। और अगर जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो सब्जेक्ट आपका या फिर वो पेपर आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। मतलब जब नेक्स्ट टाइम आप Part 1 देंगे तब आपको वो सब्जेक्ट नहीं देना पड़ेगा। बट फ्रेंड्स जब आप Part 1 की सारी एग्ज़ाम पास कर जाएंगे तभी आप Part 2 के लिए एलिजिबल होंगे और उसमें अपीयर हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि Part 1 में आपने 2 सब्जेक्ट पास कर लिए तो आप Part 2 भी दे रहे हैं, पहले आपको Part 1 पूरा क्लियर करना होगा फिर Part 2 दोगे। हाँ आपको एग्जेम्पशन मिलता है बट Part 1 के सब्जेक्ट में, जैसे कि आप Part 1 में अपीयर हो रहे हैं, आपने 3 एग्जाम पास कर लिए, 3 में 50 से अबोव मार्क्स हैं, तो जब आप नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट ईयर आप Part 1 में जब अपीयर होंगे तो सिर्फ आपको 2 एग्जाम देने होंगे और उसके बाद आप Part 2 में जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का डाउट क्लियरेंस वीडियो, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश की बट वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और फ्रेंड्स हो सकता है फुल स्कोर वाले सर मुझे अलाउ नहीं करें आगे की वीडियो डालने के लिए, पता नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग वहां से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल पे। बट आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, हम आग लगा देंगे। आपको तो पता है ये किस सर का डायलॉग है, अगर आपको समझ में आया कुछ तो नीचे कमेंट करिए।
तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप, साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूट्यूब चैनल टेक्निकल व्लॉगर। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।